नमस्कार। पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी की जयंती आज पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। राजधानी के बापू वाटिका में विभिन्न राजनीतिक दलों और संस्थाओं ने गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी कड़ी में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर ने भी बापू को नमन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलेश ठाकुर और प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता प्रीतम सानलोहरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता बापू वाटिका पहुंचे और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर दिलेश ठाकुर एवं प्रीतम सानलोहरा ने कहा कि गांधी जी एक महान इंसान थे, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। गांधी जयंती के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपके? आदरणीय दोस्तों, हमारे आज इस भारतवर्ष में जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती मनाया जाता है, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनके चरणों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की ओर से कोटि कोटि नमन। ये अपने देश के लिए बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही सराहनीय काम किए हैं, उनके चरणों में इसी के साथ मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं। मैं दिलेश ठाकुर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। आपका वही है कि गांधी जयंती पे अवसर पे कुछ 2 शब्द आप तमाम पत्रकार साथियों को धन्यवाद देते हैं। ये भारतवर्ष संतों और महागुरुओं का देश है। आपको पता होना चाहिए कि ये देश में समय समय पे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर जी हो गए, गांधी जी हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, सारे लोगों की यहाँ जन्म हुआ। आज भारतवर्ष के लिए एक खुशी का दौर है, एक दिन है कि आज हमारे देश के 2 महान सपूतों का आज जन्मदिन है। आज हम लोग इस मोराबादी के गांधी प्रतिमा स्थल पर आए हुए हैं और महामानव महात्मा गांधी जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से आए हुए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में ही हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। साथियों, इसलिए आप तमाम साथियों को कहना चाहते हैं कि ये अहिंसावादी देश है और हम लोगों को इसको बचा के रखना है। अपना परिचय दे दीजिए। प्रीतम सानलोहरा, प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश। धन्यवाद। अंत हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स। धन्यवाद।